जय हिंद, नमस्कार। अनुपात समानुपात का लेक्चर नंबर 6 आ गया है आप सबके लिए। तो मैथमेटिक्स के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन को एंजॉय करने के लिए इस वीडियो को देखिए। इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा सुन लो। इसमें हम लोग जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के, ठीक है, जिसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज़ होता है, वैसे क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। एग्जाम में कैसे कम टाइम में सॉल्व करना है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर इतना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया हुआ है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो, इस तरह का क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आना चाहिए। लेकिन अगर आप इसमें ऑप्शन चेक करें तो कहीं आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जैसे देखो, यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर मान लो ऑप्शन नंबर 1 ही ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है भाई, 1:1:1, है ना। तो अगर तीनों का अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक है, इसका मतलब क्या है कि ए बटा बी बराबर 1:1, इससे क्या निकल के आएगा कि ए बराबर बी। उसी तरीके से बी सी में से निकालोगे तो बी बराबर सी आएगा। मतलब कि एक अनुपात एक अनुपात एक का मतलब ये होता है कि संख्याएं आपस में बराबर है, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर तीनों बराबर है तो ये जो इक्वेशन है, दो दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ये पहला वाला ये दूसरा वाला, दोनों में से बारी बारी से हम लोग रख के देख लेते हैं कि वैल्यू सेटिस्फाई होता है कि नहीं। बहुत आसान सा काम है, ठीक है। तो पहला वाला में अगर ए बी सी सब बराबर करें तो बी बराबर भी ए रखना होगा और सी बराबर भी ए रखना होगा। मतलब ए प्लस ए प्लस ए, 3a का मान नजर आएगा 4√3। और ये जो 3 होता है, 3 को क्या लिखा जा सकता है, √3 × √3, है ना। मतलब कि ए बराबर 4√3 और बटा में 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। तो ये खत्म हो गया, ए का मान निकल के आ रहा है 4/√3। उसी तरीके से जो दूसरा वाला इक्वेशन है, उसमें अगर बी और सी का मान ए रखोगे तो ये ए स्क्वायर नजर आएगा और ये भी ए स्क्वायर नजर आएगा। तब क्या नजर आएगा, 3a² = 16, और ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 16/3। और ये स्क्वायर जो है ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, रूट का चिन्ह बनेगा। 16 का वर्गमूल 4 और √3 मतलब √3। तो देखो, इधर भी 4√3 आया, इधर भी आया। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे ना तो इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि देख के आप बताएं कि यही उत्तर आने वाला है, ठीक है। अब देखो, इसका थोड़ा सा मेथड भी समझेंगे, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप अगर एक क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन को आप ट्रिक लगा के सॉल्व कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट सीखने का कोई जरूरत नहीं रहा। मैथमेटिक्स सीखने का जरूरत है, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट का वैल्यू है ना, वो रटने का चीज़ तो है नहीं, ये हम कई वीडियोज़ में अपना बता चुके हैं, ठीक है। तो हमेशा सीखने पे जोर डालिए कि कोई चीज हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है कि ए बराबर बी बराबर सी रखने पे काम हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है और आखिर आया क्यों ए बराबर बी बराबर सी। तो देखो, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है भाई, याद होगा ये सभी को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ये थोड़ा बड़ा जाएगा, हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि सीखने का, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। कई सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो जरूरी है जानना। 2 × AB + BC + CA, ठीक है। अब देखो, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का मान पता है 4√3, और 4√3 का वर्ग करोगे, 4√3 का अगर वर्ग करोगे तो कितना नजर आएगा भाई, 16, 4 × 16 और 3 48, यहाँ पर नजर आएगा 48। उसी तरीके से यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 16 दिया हुआ है, प्लस 2 × ये इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े इसलिए इसको हम लोग के लिख लेते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो वापस लिख लेंगे। अब ये 16 इधर 48 में से जाके घटेगा, ये 16 इधर आके अगर माइनस हुआ, ठीक है, 48 − 16 = 2K, तो K का मान क्या निकल के आएगा भाई, 32/2, मतलब कि 16। और ये K क्या माना हुआ था, K माना हुआ था ए ए बी
प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इसका मान आया 16। और इसी चीज का मान, ये 16 16 मान आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी दिया हुआ था, मतलब कि इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा अगर इस तरफ आके घटता है तो क्या नजर आएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। देखो इस एक्सप्रेशन को नोट कर लो, ये पूरा बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग को इसके बारे में बताया जा सके। जब भी आपको एलजेब्रा के क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट नजर आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन नजर आएगा, ठीक है, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 है, तो हर हाल में ए बराबर बी बराबर सी होने वाला है, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, इस चीज को अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो चलो नए पेज पे काम करें। यहां पर आपको मिला, ध्यान देना, अभी क्या मिला भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। ऐसा होने पर आप लोग को बताया जा रहा है कि ए बराबर बी बराबर सी मानना है, क्यों, क्योंकि अगर ए बराबर बी बराबर सी मानोगे, ठीक है, यहां ए के जगह पे अगर बी मान लोगे, ठीक है, देखो अगर हम लोग ए बराबर बी बराबर सी मानेंगे, मानेंगे क्या, इस एक्सप्रेशन से ये निकल के आएगा, क्यों निकल के आएगा वो भी अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो देखो यहां पर तीनों बराबर आएगा इसका रिजल्ट में, आप चेक कर सकते हैं, अगर बी के जगह कोई ए रख दे, सी के जगह ए रख दे, तो यहां 3a² नजर आएगा, यहां भी बी के जगह ए रखेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा, बी सी के जगह ए ए रखेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बनेगा, सी के जगह भी ए रखेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बनेगा, मतलब -3a² यहां नजर आएगा, और दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। आया बात समझ में, तो इसका रिजल्ट यही आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर करेंगे तो ये देखते के साथ समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें सारे अगर बराबर हो जाएं तो घट घुट के कट कुट के ये खत्म हो जाने वाला है। लेकिन होता क्यों है, देखो ये भी बहुत ट्रिकी चीज है, इसमें सभी में अगर हम लोग 2 से गुना कर दें, ठीक है, पूरे में अगर कोई 2 से गुना कर दे और 1/2 से भी गुना कर दे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अब 2 से सभी में गुना करोगे तो ये नजर आएगा क्या भाई, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये माइनस हाफ दूसरी तरफ जाके 0 में गुना होके 0 बन जाएगा। अब देखो इसको अगर अरेंज करोगे तो ऐसा नजर आएगा, ए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक तो ये नजर आएगा, फिर दूसरा क्या नजर आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा क्या नजर आएगा, तीसरा नजर आएगा सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो गया सर, तो भाई देखो ए यहाँ दो दो बार है तो एक यहाँ रख दिए एक यहाँ लास्ट में रख दिए, बी दो दो बार है तो एक बार प्लस बी स्क्वायर यहाँ गया प्लस बी स्क्वायर यहाँ गया, सी स्क्वायर भी दो बार है तो प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाकी तीनों एक एक टर्म था बीच में दे दिया। तो ये वाला चीज जो है ये नजर आ रहा है किसका फॉर्मूला, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और देखो तीन संख्याओं के वर्गों का योग अगर 0 है तो जरूर तीनों संख्या बराबर 0 के होना चाहिए, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग जो होता है वो या तो शून्य आ सकता है या शून्य से बड़ा आ सकता है, शून्य से छोटा निगेटिव तो आएगा नहीं। तो अगर किसी एक का वर्ग भी 0 से बड़ा हो गया, मान लो 25 आ गया, तो बाकी तो -25 होना पड़ेगा ना सॉल्व करके, तभी तो घट के 0 आएगा, लेकिन निगेटिव तो होने वाला है नहीं क्योंकि ये संख्या का वर्ग है, किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के, काल्पनिक संख्या आप लोगों के सिलेबस में ही नहीं है, तो कोई भी वास्तविक संख्या लोगे उसका वर्ग किसी हालत में ऋणात्मक नहीं होता है। तो जब ऋणात्मक नहीं होगा तो धनात्मक भी नहीं हो सकता क्योंकि घटेगा तब तो 0 होगा, तब फिर क्या हो सकता है भाई, तीनों आपस में 0 के ही बराबर होने चाहिए, मतलब ए माइनस बी भी 0 मिले, बी माइनस सी भी 0 मिले और सी माइनस ए भी 0 मिले, ठीक है। अब
यहाँ ए माइनस बी अगर 0 हुआ तो ए बराबर बी होगा, उसी तरीके से बी माइनस सी 0 हुआ तो बी बराबर सी होगा, और इधर से सी माइनस सी बराबर ए होगा। अब देखो तीनों संख्याएं आपस में बराबर हो गई। तो यहाँ इस अनुपात के क्वेश्चन से आप लोग को अलजेब्रा का ये कॉन्सेप्ट समझाना था। एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ नजर आया कि संख्याओं का वर्गों का योग दिखे अगर 0 के बराबर तो संख्याएं आपस में 0 के बराबर होंगी। दूसरा बात कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अनुपात इतना बराबर 5:1। अब देखो किसी को अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फॉर्मूला याद हो तो देखते के साथ बताएगा कि भाई यहाँ पे तो सर ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये कट जाने वाला है, और कट के एक्स माइनस वाई नजर आएगा 5/1 मतलब 5 के बराबर, और दूसरे वाले में से एक्स माइनस वाई कट जाएगा और एक्स प्लस वाई नजर आएगा 7/1 मतलब 7 के बराबर, और इसको सॉल्व करके एक्स का मान निकल के आएगा 12 7 5 12/2 मतलब 6, और वाई का मान क्या निकल के आएगा, वाई का मान निकल के आएगा अगर एक्स का मान 6 रखोगे इसमें तो वाई निकल के आएगा 1, और पूछा क्या जा रहा है 2x/3y, तो 2x कितना हो जाएगा भाई 6×12/3y मतलब 3 × 3, और 3 से 12 कटेगा 4 बार में मतलब 4:1 इसका आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, लेकिन ये तो आप तब लिख पाएंगे जब थोड़ा सा फॉर्मूला सही तरीके से याद हो और थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाते हैं एक स्टेप बढ़ के, नहीं तो फिर तो आपको लिख के ही बनाना पड़ेगा। और लिखेंगे कैसे, देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, और बटा में क्या दिया हुआ है ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये चीज जो नीचे दिया हुआ था ये इसीलिए दिया हुआ था ताकि ये कट के खत्म हो जाए, है ना, बराबर 5:1 मतलब 5, तो एक्स माइनस वाई का मान क्या हो गया 5, और उसी तरीके से ये वाला जो है इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे अगर तो क्या नजर आएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और बटा में एक्स माइनस वाई ऑलरेडी है ही तो ये भी कट के खत्म हो जाने वाला है, बराबर में 7 नजर आएगा मतलब इससे क्या निकल के आएगा एक्स प्लस वाई का मान 7। ठीक है, देखो यही चीज लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी का प्रोसेस तो ये होगा ही होगा, ये समझाने के लिए आप लोग को किया गया ये। ठीक है, तो आ रहा है बात समझ में। अब देखो एक क्वेश्चन ये है 2r = h+ इतना इतना, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सॉल्व करोगे तो काफी लंबा जाएगा। ठीक है, 2r - h = यहां पर क्या नजर आ रहा है √r² + h²। देखो संख्या पद्धति और सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के लेक्चर्स में कई बार आप लोगों को बताया मैंने कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल करने पर सीधा साधा एकदम प्यारा सा नंबर मिल रहा है, एक परिमेय संख्या मिल रहा है जिसपे कोई रूट वूट नहीं है, तो जरूर अंदर जो संख्या है उसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाना चाहिए, मतलब वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, है ना, मतलब कि r² + h² का मान पूर्ण वर्ग होना चाहिए, मतलब किसी संख्या के वर्ग के बराबर हो। तो भाई ये वाला रिलेशन देखने के बाद आपको ये नहीं लग रहा है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला काम करेगा, मतलब कि r और h का मान ऐसा होना चाहिए जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे फिट हो। ठीक है, तो एक और दो तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता नहीं है, दो और तीन भी नहीं होता है, तीन और चार जरूर होता है क्योंकि आप लोग को बताया मैंने 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो भाई अगर r का मान 4 और h का मान 3 रखें तो काम अपना बन जाएगा। देखो r का मान 4 रखोगे तो क्या नजर आएगा, 2 × 4 = h कितना हो गया 3 बराबर √4² + 3 का वर्ग। तो 16 + 9 का वर्गमूल करोगे तो 25 का वर्गमूल क्या आएगा 5, और इस तरफ क्या नजर आ रहा है 4 × 8 = 3 मतलब 5। ठीक है, 5 = 5। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू फिट हो गया, है ना, सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो बिना देखो सारे ऑप्शन चेक किए हुए भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के
डायरेक्ट ऑप्शन भी हम लोग पकड़ सकते हैं बिना सॉल्व किए, कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा, बस इस रूट वाले को देख के समझ गए हम लोग कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला ही आंसर होना चाहिए, सभी को रख के चेक करने का भी जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहें तो सभी को रख के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको अगर बनाओगे तो काफी लंबा जाएगा। बनाने का तरीका में क्या होगा भाई, पहले तो दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करते हुए आर और एच का रेशियो निकलेगा, ठीक है। तो काफी लंबा प्रोसेस होगा, आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या इसका पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं, तब तो हम किसी वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार मेरे को महसूस होता है, अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन डिटेल में गया तो लड़के उब जाते हैं, ठीक है, कि सर ये क्या बता रहे, इतना करना कहाँ है। हाँ आपको एग्जाम में नहीं करना है इतना कुछ, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। मैथमेटिक्स को इस तरीके से समझो कि जैसे चाहो वैसे घुमा फिरा लो, ठीक है, तब तो कहा जा सकता है कि हाँ हम समझ गए। किसी को समझने का मतलब ये होता है कि उसके बारे में हर बात पता होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो समझे कहाँ। देखो ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है भाई, 5x+2y बराबर इतना इतना। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि 5x+2y बटा में 10x+3y बराबर 5/9, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको एक्स और वाई का अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक प्रोसेस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का भी होता है, वो हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ देखो एक्स का गुना में और वाई के गुना में जो संख्या है वो 5 और 2 है और नीचे 10 और 3 है, तो जहाँ अलग अलग संख्याएं होती है कोफिशियंट में उसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने में फायदा नहीं निकल के आता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग किस तरह के क्वेश्चन में लगाएंगे वो अभी आगे आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखो कितना आ रहा है, 9×45x+9×18y बराबर 10×50x+5×3×15y। अब देखो बहुत आसान है, ये 45 इधर 50 में से जाके घटेगा तो नजर आएगा 5y, और 15y सॉरी 45x 50x में से जाके घटेगा तो 5x नजर आएगा, और ये 15y 18y में से आके घटेगा तो 3y नजर आएगा, और x/y अगर निकालेंगे तो क्या नजर आएगा, 3/5, ठीक है। अब देखो x/y 3/5 मिल गया तो आप सीधे x का मान 3 y का मान 5 रख लो, कोई k वगैरह मानने का जरूरत यहां पर नहीं है, ठीक है, सीधे रख दोगे उत्तर आ जाएगा। अब x का मान 3 रखोगे तो देखो 3 का स्क्वायर 9 और y 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, तो भाई 9×18 डायरेक्ट थोड़ा लिख रहा है, ठीक है, और नहीं तो चलो आप लोग के लिए लिख दे 2×9 का वर्ग+3×5 का वर्ग, ऐसा होगा अगर वैल्यू रखेंगे तो 2×3 का वर्ग, 9 का वर्ग नहीं, एक्स का मान 3 है, ठीक है। उसी तरीके से नीचे क्या नजर आएगा, 4×3 का वर्ग+9×5 का वर्ग, ठीक है। तो भाई ऊपर क्या नजर आया, 9×18+25×75, और बटा में क्या नजर आया, 9×36+25×9=225, ठीक है। देखो ऊपर 75 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 75×20 होता है 95, उससे 2 कम मतलब 93, और नीचे क्या होगा, 225 में अगर 36 जोड़ेंगे तो 6×5=11, बाकी 1 22 और 3 25 और 1 26। अब देखो 3 से ऊपर नीचे कट सकता है तो यहाँ नजर आएगा 31 और यहाँ नजर आएगा 3×6=24, 3×6=18, 3×7=21, 3×8=24 और 3×7=21, मतलब 31/87 यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, मतलब 31:87 का आंसर आएगा इसमें। तो आया बात समझ में कैसे कैसे करना है। पहला बात तो ये समझ में आया इस क्वेश्चन में कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्यों नहीं लगाना है। दूसरा बात, जब एक्स और वाई का अनुपात निकल जाए और आंसर जो पूछा जा रहा है वो भी आपको अनुपात में ही निकालना है, तो फिर आप सीधे एक्स का मान 3 और वाई का मान 5 रख सकते हैं। इस वाले लाइन को आप नोट कर लीजिए कि डायरेक्ट वैल्यू हम लोग कब रख सकते हैं, जब एक्स और वाई का अनुपात पता हो और आंसर भी अनुपात में निकालना हो। ये अनुभव के आधार पर किसी किताब में आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, कि हाँ कहीं लिखा हो मिल जाए कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करना, ठीक है। ये मेरा अपना जो थिंकिंग है इस तरह के क्वेश्चन में जो अप्लाई करने का तरीका है वो ये, ठीक है। देखो अब यहाँ पर
पिछले क्वेश्चन का उल्टा है, पिछले क्वेश्चन में ये सीधा वाला वैल्यू दिया हुआ था, क्यूब वाला निकालना था, स्क्वायर वाला, यहाँ क्यूब वाला दिया हुआ है और सीधा वाला वैल्यू निकालना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। देखो 10a³ प्लस 4b³, ये भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि पहला वाला में दूसर का अनुपात से और दूसरा वाला में पहले का अनुपात से गुना करना है ना, ये सीधे देखते के साथ आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग को थोड़ा कर कर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, बराबर कितना है भाई, 7/5। अब भाई तिरछा गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 5 जाके ऊपर गुना होगा, तो क्या नजर आएगा, 50a³ प्लस 5 चौका 20b³ बराबर 11/77a³ माइनस 15/105b³ है ना, और 50 में से ये 77 आके घटेगा तो क्या आएगा, 27a³, और 105 इधर आके जुटेगा तो क्या नजर आएगा, 125b³। अब देखो a³/b³ कोई निकालेगा तो क्या नजर आएगा, देखो ध्यान से, a³/b³ का मान 125/27 हो गया, इसका मतलब 125 को हम लोग 5 का क्यूब लिख सकते हैं और 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो a/b का मान निकल के क्या आ गया भाई, 5/3। अब a का मान 5 और b का मान 3 हम लोग सीधे इसमें रख सकते हैं, तो क्या नजर आएगा, इस बार डायरेक्ट रखेंगे, देखो a का मान रखना है 5, तो 5 3 15, और b का रखना है 3, तो 5 3 15, 15 15 कितना नजर आया ऊपर, 30, बटा में a का मान रखेंगे 5, तो 9 5 45, घटाओ 3 दूना 6, 45 में से 6 गया तो 39, 30/39 का मतलब 10/13 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर एक में है। तो आए बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है इसको, ये हो गया। इसके बाद देखो और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो ये क्वेश्चन है m+n अनुपात m-n का। अब देखो यहां पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बना सकते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके m/n रेशियो आपको मिल जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी आप लोग को बताना है। ठीक है, तो भाई देखो उसमें होता यह है, एक बार फिर से रिकैप कर दे, लेक्चर नंबर 2 या 3 में शायद आप लोगों को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में बताया हुआ है, इसी अनुपात समानुपात के सीरीज में, ठीक है, कि अगर a/b = p/q कहीं हो, तो a+b / a-b बराबर p+q / p-q किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जैसा ऑपरेशन लेफ्ट साइड होगा वैसा ही राइट साइड भी आप लोग कर सकते हैं, तो हम लोग वही काम करते हैं, देखते हैं कि कुछ आसान पड़ता है कि नहीं। तो भाई देखो इधर इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो देखो m+n m-n में से n कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2m, ठीक है, बटा में अगर इन दोनों को घटाएंगे तो भाई m में से m घट जाएगा और ये -n + n बन जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 2n, और दूसरी तरफ 7 और 3 जुट के ऊपर 10 नजर आएगा, और 7 घटाओ 3 4 नजर आएगा, 2 से 2 कट गया, m और n का रेशियो मिल गया 5/2। अब m 5 और n 2 अगर इसमें रख दें जो ये पूछा जा रहा है, तो 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, तो 125 और 8 कितना होता है भाई, 133। पहला वाला संख्या 133 केवल ऑप्शन नंबर ए में है, यह इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा वाला भी निकालना चाहे तो 125 घटाओ 8 करके कितना आएगा, 125 में से 8 घटेगा तो आएगा 117, जो कि ऑप्शन, देखो एग्जाम में बस इतना सा काम करना है, लेकिन अभी देखो कई लड़कों को यह समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरी मजबूरी है कि हम पूरा लिख के बताएं। ठीक है, और जरूरी भी इसलिए है कि जब आप एकाध बार लिख के बना लेंगे ना, दो चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके दिमाग में प्रोसेस चलने लगेगा। ठीक है, तो कभी प्रोसेस से भागिए मत, प्रोसेस सीखिए, जरूरी है। देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये वाला तरीका हम लोग यहां पर लगाते हैं, तो कैसे डिटेल में आएगा भाई, m+n + m-n बटा में m+n, और माइनस करना है इसको, किसी भी ब्रैकेट के अगर आगे अगर नेगेटिव साइन होता है तो दोनों का चिन्ह बदल जाता है, मतलब +m - m बन जाएगा और -n + n बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जोड़ा नीचे घटाया तो 7 और 3 10 जुड़ के ऊपर आएगा और 7 घटाओ 3 4 नीचे आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ n से n कट रहा है, m से m कट रहा है, मतलब 2m/2n बराबर यहाँ क्या नजर आ रहा है भाई, 10/4 मतलब 5/2,
और देखो 2 से 2 काट लोगे तो m बटा n का मान 5/2 नजर आया। अब m का मान 5, n का मान 2 रखेंगे तो जो पूछा जा रहा है एक्सप्रेशन उसमें 5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बटा में 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब करना होगा, जो कि आपको फाइनली 133/117 मिलने वाला है। आया बात समझ में? तो देखो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देख लो, क्या है कि a³ + b³। देखो पिछला वाला क्वेश्चन में सिंपल दिया हुआ था, क्यूब वाला पूछ रहा था, यहाँ क्यूब वाला दिया है, सिंपल वाला पूछ रहा है, जस्ट उल्टा है। ठीक है, ये भी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो ही लगाएंगे हम लोग। देखो क्या होगा, a³ + b³, बाकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है कि यही लगाना है। ठीक है, जैसे दिमाग चले परीक्षा में चला लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको आंसर लाने से मतलब है। हाँ थोड़ा जल्दी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कुछ समय बचता है, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाते हैं। ठीक है, देखो ऊपर तो जोड़ा, नीचे घटाएंगे तो -a³। ठीक है, -a³ + b³। ठीक है, ऊपर जोड़ा नीचे घटाया, तो यहां पर ऊपर जुड़ के क्या नजर आएगा भाई, 185 जोड़ 158 बटा में 185 घटाओ 158। अब देखो ऊपर यहां b³ कट रहा है, इधर a³ कट रहा है, तो भाई a³ + a³ 2a³ और b³ + b³ 2b³ बराबर, ऊपर अगर जोड़ेंगे तो कितना नजर आएगा, 8 5 13, 15 और 18 होता है 33 और 1 34, 343 ऊपर नजर आया, और नीचे क्या घट के क्या नजर आएगा, तो 5 में से 15 में से 8 गया तो 7 और 17 में से 15 गया 2। देखो यहाँ 2 से 2 कट गया, इधर a³ / b³ का मान ये नजर आ रहा है जो कि कितना है भाई, 7/3 का होल क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ a अनुपात b डायरेक्ट आपको निकल के आ गया कितना, 7/3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। आया बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे, और कई बार अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। आप लोग रेगुलर क्वेश्चन बैंक जरूर लगाया कीजिए, इससे एक्सपीरियंस होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। ठीक है, तैयारी का एक बहुत बड़ा की है, एक बहुत बड़ा चाबी है कि आप लोग सही तरीके से क्वेश्चन बैंक लगाएं, पूरा टेस्ट खुद से बैठ के दें। ठीक है, जरूरी नहीं है, अब तो ऑनलाइन में भी बहुत से अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज आ गए, तो टेस्ट लगाएं और जितने नंबर भी आए उससे घबराना नहीं है। देखो नंबर कम हो सकते हैं, नंबर कम हो सकते हैं, हम लोग को पहली बार में सक्सेस नहीं मिलती है, किसी को भी नहीं मिलती है, लेकिन वो सक्सेस ये बताता है कि कहाँ कहाँ कमी रह गई। जब आप टेस्ट लगाते हैं और नंबर कम आते हैं और उसका फिर एनालाइज करेंगे, हाँ भाई कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, तो आपको ये सीखने का मौका मिलेगा कि अगली बार ये क्वेश्चन गलत ना हो, उसको किस तरीके सॉल्व किया जाए, इस चीज़ पे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो नंबर कमाने से घबराना नहीं है, मॉक टेस्ट जरूर देना है, बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है केवल मॉक टेस्ट देने से। मॉक टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, है ना, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।